वाइल्ड बोर नहीं है, शायद टाइगर, ये स्पॉटेड डियर जो सामने खड़े हैं इनको स्टॉक कर रहा है। एंड टाइगर किल्ड द गौर, मतलब फीमेल टाइग्रेस एंड ह्यूज हर्ड ऑफ गौर। एंड इनिशियली टाइग्रेस को गौर ने, बड़ा हर्ड है गौर का, गौर ने भगा दिया था टाइग्रेस को। शी स्टार्टेड रनिंग ऑन द रोड बट देन सडनली टर्न स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द गौर इन साइड द ग्रास। एक फीमेल पे जंप किया, किल्ड द फीमेल, केप्ट ऑन होल्डिंग द फीमेल फॉर लॉन्ग वाइल। बाकी गौर चिल्लाते रहे एंड टाइग्रेस केप्ट ऑन होल्डिंग द गौर। We could see the legs of the gaur moving. पैर दिख रहे थे उसके मूव करते हुए। टाइग्रेस और गौर नहीं दिख रहे थे क्योंकि काफ़ी अंदर है। छोटा सा एक क्लिप मिल पाया। उसके बाद गौर जो थे वो काफ़ी देर तक वेट करते रहे। कुछ गौर निकल गए, कुछ गौर अभी हुए हैं। बट कमेंडेबल टाइग्रेस, 2.5 ईयर्स ओल्ड, एट द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन अडल्ट, स्टिल मार्किंग टेरिटरी, बट मेड श्योर टू एंटर इन साइड द हर्ड ऑफ द गौर एंड किल वन गौर। Usually males are the ones who kill gors, but this was surprising. So वो पानी में है और constantly पानी पी रही है। हमसे थोड़ा दूर है, बीच में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, but she is constantly drinking water because of course after the hunt tiger normally पानी के पास जाता ही है। अभी पानी पिएगी, थोड़ा relax करेगी, then she will go back and start eating. पर बार बार पीछे मुड़ के देख रही है, probably the male is coming or something like that, the brother is following, क्योंकि साथ साथ रह रहे। और एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि शी इज़ अ वेरी गुड हंटर एज पर व्हाट दे से, कि इसके नॉर्मली हंट्स जो है वो अच्छे रहते हैं, एंड देन शी हंट्स एंड कॉल्स द मेल एंड ही फीड्स ऑन देम। बट शायद इसको कुछ हल्की फुल्की चोट लगी है, क्योंकि जब किल करके पानी में उतरती हुई आ रही थी तो चलने का तरीका थोड़ा बदला हुआ था। सो एग्जैक्टली फुल व्यू तो नहीं मिल रहा है, पर खा रही है वो आराम से बैठ के, इतना पता लग रहा है जो खा रही है ना, आवाज़ भी आ रही है। थोड़ा सा उठा के देखती है, वापस नीचे कर लेते। सो वी आर बैक इन द सफारी। मॉर्निंग में उनको वहीं पे छोड़ा था किल खाते हुए, और अभी इस तरफ आ चुके हैं। बोट आ रही है सामने से, बोट के ऊपर से विल क्रॉस दिस द देनवा रिवर एंड देन वी लैंड ऑन स्ट्रेट। वहीं पे जाने वाले हैं क्योंकि हाई चांसेस आ रहे हैं टाइगर्स वहीं पे मिले, या रोड पे मिले, या किल खाते हुए मिले, या फिर पानी में मिले। बैठते ही आते ही न्यूज़ आ गया दैट देयर इज़ अ टाइगर ऑन द रोड, एंड बाय द टाइम वी वेंट फॉर अ सर्कल वी कुडंट इवन कंप्लीट द सर्कल, वी गॉट अ कॉल दैट देयर इज अ टाइगर ऑन द रोड एंड द टाइगर इज लाइंग आराम से, पूरा लेटा है। अभी टाइगर ढंग से देखने को नहीं मिला क्योंकि गाड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ मेल। एंड कुछ दिन यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं अगर कुछ फोटोज़ वोटोज़ आ गए तो ठीक है, अदरवाइज विल गो फॉर अ राउंड एंड सी व्हाट हैपेंस। द डियर्स आर ओवर देयर, इज अ ह्यूज हर्ड ऑफ डियर्स एंड द टाइगर इज ओवर देयर। मेल टाइगर है, आराम से सोया है, बट हर्ड ऑफ डियर्स जो है दे आर ट्राइंग टू स्मेल एंड दे आर गेटिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल, क्योंकि नॉर्मली जब प्रेडेटर का प्रेजेंस होता है प्रे के आसपास तो प्रे को स्मेल से, बिहेवियर से, बहुत सारी चीज़ों से पता लग जाता है। एंड इधर अभी टाइगर है, लेटा है, बहुत एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, रेस्ट कर रहा है, स्टिल कॉल नहीं कर रहे डियर्स, बट दे जस्ट गेटिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल राइट नाउ। पप्पू भैया हाथ अंदर करो। फाइनली आफ्टर 1 hour 10 minutes टाइगर वोक अप, टर्न्ड एंड सैट अगेन। फाइनली 2 घंटे बाद टाइगर उठा, और पूरी उम्मीद थी कि हमारी तरफ चलेगा और उसी का हम वेट कर रहे थे। उठा, पलटा और उस तरफ चला गया, बट अभी घास में गया। आ गया, वापस आ गया, फिर आ गया। ओ आ गया।
शायद जो ग्रास में वाइल्ड बोर खड़े हैं उनको शायद स्टॉक करता हुआ आगे जा रहा है। वाइल्ड बोर नहीं है शायद टाइगर, ये स्पॉटेड डियर जो सामने खड़े हैं इनको स्टॉक कर रहा है और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव कर रहा है पैर नीचे रख के, क्राउचिंग ऑन इन टू द ग्रासेस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको विजिबिलिटी मेंटेन करना। ये सामने टाइगर, वाह। टाइगर रैन बिहाइंड द डियर, आई डोंट नो इट वाज इन द ओपन। किधर को गया? बैठ गया ओपन में। ओपन में पीछे जा, ओपन में वो दौड़ा डियर के पीछे। डियर को ऑब्वियसली पता लग गया, दे कॉल्ड इन द रैन एंड देन इट केम ऑन द रोड। कैंपस ठीक सामने है, वहां से लोगों को टाइगर दिख रहा था और लोगों को देख के टाइगर बैठ गया। देन इट केप्ट ऑन क्राउचिंग, धीरे धीरे रिवर्स आना स्टार्ट हुआ। यू कैन एक्चुअली सी हाउ इंटरेस्टिंग द कैट इज इन इट्स बिहेवियर, केप्ट ऑन कमिंग टूवर्ड्स द अदर साइड। पीछे आती गई, बाघ आता गया, क्राउच करते हुए अपने पॉज पे, एंड देन सडनली इट्स दैट टर्न टूवर्ड्स अस। एंड वेंट इनसाइड द ग्रास सो फार। अभी ग्रास में है, वी स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ गुड शॉट और नॉट। हमने मतलब ये दोनों बच्चे, इसकी माँ और वो जो इनका जो पापा है, वो चारों को, हाँ R1 को एक ही जगह, मतलब कि एक ही जगह खाते हुए देखा है किल में।